गायत्री महाविद्यालय सांतोर की आज की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे डाइकोट रूट की एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, जो बीएससी और बीएससी बीएड दोनों ही प्रकार की कोर्स के लिए सेम सिलेबस के अंतर्गत आता है, का पेपर सेकेंड है प्लांट एनाटॉमी। इस एनाटॉमी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे डाइकोट रूट की एनाटॉमी। इससे पहले हमने एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ा था मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके विभिन्न प्रकार के भागों के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका आउटलाइन डायग्राम और सेलुलर डायग्राम के बारे में पढ़ा था, उसको समझा था। आज के इस क्लास में हम उसी तरह से डाइकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। मूल या रूट जमीन में स्थित पादपीय भाग होता है, सामान्य तौर पर हम इसको रूट ही कहते हैं। अब रूट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपिस्तानिक और दूसरी होती है मूसला मूल। दोनों ही प्रकार की मूल का जब हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें एक ही प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे इस डायग्राम में प्रदर्शित इस रूट का, बल्कि इसी रूट का या किसी भी रूट से हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये जो डायग्राम है वो कोशिकीय डायग्राम कहलाता है। एनाटॉमी का अध्ययन करने के लिए हम उस पादप भाग का अनुप्रस्थ काट काटते हैं। अनुप्रस्थ काट उसे कहते हैं जो पादप भाग के साथ समकोण से काटा जाता है। तो ये एक समकोण होगा, इसके साथ में काट रहे हुए तो एक पतली पतली स्लाइड्स बनेगी और वो स्लाइड इस प्रकार की गोलाकार होगी या लंबाकार होगी। जब इस सेक्शन को अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसकी सेल्स माइक्रोस्कोप में लगे हुए लेंस के अकॉर्डिंग इनलार्ज होती हैं। इन इनलार्ज सेलुलर स्ट्रक्चर को हम पहचान करके पता लगा सकते हैं कि बाह्य सतह से या बाह्य परत से आंतरिक सतह तक कौन कौन सी और कैसी परतें पाई जाती हैं। तो रूट का या स्टेम का इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए क्या काटते हैं हम, इसकी टीएस काटते हैं। तो जब हम किसी रूट की टीएस लेते हैं तो हमें सेक्शन के रूप में इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब इस सेक्शन को हम इनलार्ज करके देखते हैं तो हमें ये संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। इस कोशिकीय चित्र में जो कोशिकाएं लाल रंग या पिंक कलर की दिखाई देती है वो सामान्य तौर पर मृत उत्तक होता है, मृत कोशिका होती है। इन कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए हम सेफ्रेनिन का प्रयोग करते हैं, जबकि इस पादप भाग में स्थित जीवित उत्तकों को, जीवित कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए फास्ट ग्रीन या लाइट ग्रीन का यूज किया जाता है। जब हम किसी पादप भाग को सेफ्रेनिन
तथा लाइट ग्रीन से अभिरंजित करें, अर्थात हम दो प्रकार के स्टेन यूज करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम डबल स्टेनिंग अथवा दोहरा अभिरंजन कहते हैं। दोहरा अभिरंजन से क्या लाभ होगा? हमें जीवित और मृत उत्कों में विभेदन करने में सहायता मिलती है। तो इस डायग्राम में कुल तीन कलर की कोशिका दिखाई दे रही है, एक लाइट ब्लू कलर की जो सबसे आउटर लेयर है, इसके बाद में ये ग्रीन कलर की कोशिका है, फिर इसके अंतर्गत ये जो कोशिका वो रेड कलर की है, ये फिर ग्रीन कलर की कोशिका है। ये कोशिकीय क्षेत्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं उनका हम एक एक परत के रूप में डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर लेयर होती है वो एक एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस की कोशिका एकल परत है, जो आपको हल्के ब्राउन कलर की कोशिका दिखाई देती है, ये कोशिकाएं वो एपिडर्मिस कहलाती हैं। एपिडर्मिस इस डायग्राम के अनुसार एकल परतीय संरचना है, अर्थात केवल एक परत की कोशिकाएं पाई जाती है, और ये कोशिकाएं बैरल शेप होती है। बैरल शेप का मतलब क्या होगा? डोल का आकार, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, जिसमें किनारे क्षेत्र से ये संकरा होगा, जबकि मध्य वाले भाग से मोटी कोशिका होती है। इन कोशिकीय संरचना को नाम देंगे एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस की कुछ कोशिका इलाज होकर वृद्धि करके रोम के समान संरचना बनाते हैं, पतले पतले रोम बनाते हैं। इस नलिकीय संरचना को रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर पाए जाने के कारण एपिब्लेमा को राइजोडर्मिस भी कहते हैं, अथवा इसको एपिब्लेमा भी कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये एपिडर्मिस धीरे धीरे विघटित हो जाती है। एपिडर्मिस इस पादप भाग के लिए क्या कार्य करेगी? तो नंबर फर्स्ट, रूट की एपिडर्मिस सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है, और सेकेंड नंबर, इस पे पाए जाने वाले रूट हेयर के कारण ये जल का अवशोषण करती है। सेकेंड जो लेयर होती है उसको नाम देते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं मर्दोत्तकी या पेरेनकाइमाटस होती है। पेरेनकाइमाटस सेल्स होने के कारण कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अंतरकोशिकीय अवकाश, एक कोशिका ये, दूसरी कोशिका ये और तीसरी कोशिका ये, इन कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले इस गैप को अंतरकोशिकीय अवकाश के नाम से जाना जाता है, इंटर सेलुलर स्पेस कहेंगे। सामान्यतः रूट की कॉर्टेक्स जोन, कॉर्टेक्स क्षेत्र अविभेदित होता है, फिर भी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे स्थित कॉर्टेक्स कोशिकाएं छोटी होती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम केंद्रीय भाग की ओर बढ़ते हैं, कोशिकाओं का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। इसके बाद जैसे एंडोडर्मिस तक पहुँचते हैं, कोशिकाओं का आकार पुनः छोटा हो जाता है। तो एपिडर्मिस के मध्य और एंडोडर्मिस के बाह्य सतह पर उपस्थित कॉर्टेक्स कोशिकाएं छोटे आकार की होती है, जबकि मध्य वाले भाग में बड़े आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं गोलाकार और अनियमित आकार की होती है। कॉर्टेक्स क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार के रिजर्व फूड जैसे स्टार्स या ऑयल ड्रॉपलेट पाई जाती है। अंतरकोशिकीय अवकाश में उपस्थित वायु अथवा गैसेस इस वल्कोट की कोशिकाओं के लिए
गैस विनिमय का कार्य करती है। एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक परत एंडोडर्मिस कहलाती है। इस एंडोडर्मिस का निर्माण कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत से होता है। सबसे आंतरिक परत की कॉर्टेक्स कोशिकाएं रूपांतरित होकर मॉडिफाई होकर एपिडर्मिस के समान कोशिकाओं का निर्माण करती है, लेकिन ये एपिडर्मिस की कोशिकाओं की तुलना में छोटे आकार की होती है। इन्हें एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस सामान्यतः एकल परतीय संरचना होती है, लेकिन कभी कभी ये द्विपरतीय हो सकती है। ये एंडोडर्मिस वल्कुट क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र से पृथक करने का कार्य करती है। एंडोडर्मिस में कुछ विशेष प्रकार का डिपोजिशन पाया जाता है, स्थूलन पाया जाता है। इस स्थूलन को जैसे कि इस एंडोडर्मिस की बाह्य परत पर मोटी परत युक्त संरचना है, इनको कैस्पेरियन पट्टिका या कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। कैस्पेरियन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो जल के प्रति अपारगम्यता प्रदर्शित करता है, इम्परमेबिलिटी प्रदर्शित करता है, जिसके कारण जल इन क्षेत्रों से होता हुआ अंदर की ओर प्रवेशित नहीं होता। अब ये कैस्पेरियन पट्टी का कहाँ पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे फ्लोएम पाया जाता है, यहाँ पे फ्लोएम पाया जाएगा, यहाँ फ्लोएम पाया जाएगा, तो इसके बीच में इस जगह पर इन त्रिज्याओं पर जाइलम पाया जाता है। जाइलम के सामने स्थित कोशिकाओं को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में कैस्पेरियन का स्थूलन होता है, और इनका स्थूलन होने से ये इस क्षेत्र की कोशिका मुख्य रूप से फ्लोएम के सामने स्थित कोशिकाएं जल के प्रति अपारगम्यता प्रदर्शित करते हैं। फलस्वरूप जल इन क्षेत्र से होता हुआ केंद्रीय भाग में प्रवेशित नहीं होता, लेकिन जो भाग जो एंडोडर्मिस की कोशिका है जाइलम के सामने स्थित है, इस क्षेत्र में कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, कैस्पेरियन का स्थूलन नहीं होता, फलस्वरूप जल आसानी से इस क्षेत्र से होता हुआ इन कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम में प्रवेशित होता है। तो जैसे इससे जाइलम में जल प्रवेशित होता है, जल के लिए ये पारगम्य होती है, इसीलिए इन कोशिकाओं को मार्ग कोशिका है या पैसेज सेल कहते हैं। तो पैसेज सेल कहाँ पाई जाती है, पैसेज सेल कैस्पेरियन विहीन एंडोडर्मिस की कोशिका होती है जो जाइलम के सामने स्थित है। इन क्षेत्र से होते हुए ये कोशिकाएं ये जल जाइलम के अंतर्गत प्रवेशित होता है। कभी कभी ये जो कैस्पेरियन पट्टिका की बात है, कैस्पेरियन है क्या, ये तो मूल रूप से अपारगम्य है, सुबिरिन लेयर है। क्या है ये सुबिरिन, और सुबिरिन भी क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एंडोडर्मिस के आंतरिक भाग पर, एंडोडर्मिस के बनने के बाद में इसकी आंतरिक परत की संरचना पढ़ते हैं। तो ये जो आंतरिक परत की संरचना आएगी सबसे आंतरिक भाग में एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की ओर, इस परत को नाम देते हैं पेरिसाइकल। क्या कहेंगे हम इसको, पेरिसाइकल के नाम से जानते हैं। पेरिसाइकल की कोशिकाएं एकल प्रतीय या पेरिसाइकल एकल प्रतीय और बहुकोशिकीय संरचना होती है। कभी कभी पेरिसाइकल दो या दो से अधिक परतों से निर्मित हो सकता है। इट इज मेड बाई मेड ऑफ वन टू मोर लेयर ऑफ सेल्स। पेरिसाइकल का कार्य क्या होता है, पेरिसाइकल
जैसा कि हमने मोनोकॉट रूट में डिस्कस किया था कि पेरिसाइकल के द्वारा या पेरिसाइकलिक कोशिका है अतिवृद्धि करके एक रूट का निर्माण करती है। इस रूट को हम क्या नाम देते हैं? लेटरल रूट कहते हैं। तो पार्श्व मूल की उत्पत्ति पेरिसाइकल की कोशिका से होती है। पार्श्व मूल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। रूट हेयर एपिडर्मिस से विकसित होता है और यूनिसेलुलर नली की संरचना होती है। पेरिसाइकल के आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हैं तो हमें जाइलम फ्लोएम और पिट दिखाई देता है। तो पहले बात करते हैं हम पिट की। पिट केंद्रीय भाग की कोशिका होती है। ये कोशिका भी मधुतक कोशिकाओं के समान वल्कुड कोशिकाओं के समान मधुतक की होती है, लेकिन इन कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। इनके केंद्रीय भाग में या इन कोशिकाओं के मध्य में कॉर्टेक्स कोशिका की तुलना में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। पिट सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ के पश्चात धीरे धीरे विघटित हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ लिया है? रूट एपिडर्मिस पढ़ी, एंडोडर्मिस पढ़ी, पेरिसाइकल पढ़ा, पिट पढ़ा और कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं कि इस पादप भाग में वैस्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वैस्कुलर बंडल या सेवन पुल एक त्रिज्या पर फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? फ्लोएम। जबकि दूसरी त्रिज्या पर जो आपको रेड कलर की बड़े बड़े गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो जाइलम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होने के कारण इन्हें अरिये सेवन पुल के नाम से जाना जाता है। कौन सा सेवन पुल? अरिये सेवन पुल। जाइलम स्पष्ट रूप से दो प्रकार का दिखाई देता है। एक परिधि की ओर स्थित जाइलम छोटे आकार का है, जबकि मध्य भाग की ओर स्थित जाइलम बड़े आकार का है। तो जो जाइलम परिधि को स्थित है छोटा है उसको प्रोटो जाइलम कहते हैं, और जो जाइलम बड़े आकार का है उसको हम मेटा जाइलम कहते हैं। डायग्राम में जो बड़े आकार का रेड गोला दिखाई दे रहा है वो मेटा जाइलम है, जबकि छोटा है वो प्रोटो जाइलम है। प्रोटो जाइलम हमेशा यदि वो रूट का भाग है तो परिधि की ओर स्थित होता है, जबकि मेटा जाइलम केंद्र की ओर अथवा पिट की ओर स्थित होता है। प्रोटो जाइलम के परिधि को स्थित होने की स्थिति को एग्स आर या बहिर आदि दारुक के नाम से जाना जाता है। जाइलम के एकांतरम भाग में फ्लोएम स्थित होता है। फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ का सेवन करने का कार्य करता है ये भी जाइलम के एकांतरित एक त्रिज्या पर जाइलम, दूसरी त्रिज्या पर फ्लोएम स्थित होता है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम के रूप में विभक्त होता है। इस प्रकार से हम सारांश में कहते हैं या सारांश में कह सकते हैं कि सबसे बाह्य भाग होती है वो एपिडर्मिस की होती है, उसके बाद में कॉर्टेक्स पाया जाता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरिसाइकल होती है, फ्लोएम में फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम प्रोटो जाइलम और मेटा जाइलम स्पष्ट रूप से विभक्त होता है और पिट का निर्माण करता है। तो एक जब डाइकोट रूट का हम सेक्शन काटते हैं तो हमें ये निम्न भाग दिखाई देते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया पादप भाग डाइकोट रूट है? तो हमें क्या देखना है? जब रूट हेयर उपस्थित है तो वो पादप भाग रूट है। क्या पाया जाएगा? पहले रूट हेयर।
रूट हेयर मान लो उस पादप भाग में उपस्थित नहीं है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका होगा हमारा डायरेक्ट सेवन पोल। यदि प्रोटोजाइलम परिधि की ओर है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर है, दूसरा जाइलम और फ्लोएम एकांतरण क्रम में स्थित है तो ऐसा पादप भाग हमेशा रूट होता है, एकांतर क्रम या अरिये सेवन पोल। अब मोनोकोट और डाइकोट रूट में कैसे डिफरेंस करेंगे? तो यदि जाइलम दो चार या छः के समूह में, सेवन पोल समूह में, तब उसको नाम देते हैं डाइकोट। और यदि जाइलम की संख्या या सेवन पोलों की संख्या छः से अधिक हैं तब उस पादप भाग को नाम देते हैं मोनोकोट रूट। तो आज की इस क्लास में हमने डाइकोट रूट की सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको ये डायग्राम बनाने के बाद में एक एक बिंदु को इंगित करते हुए, एक एक पॉइंट को लिखते हुए इसके बारे में लिखना है। थैंक यू, नमस्कार।